आज का जो मेरा ट्रांसलेशन या जो टॉपिक है तो वो शिक्षा पे है। पिछली बार भी आरजेएस में कैसे आया था, प्लेजर ऑफ रीडिंग, उसी को पिछली बार ऑनलाइन पे आया था। अब आपको ऑनलाइन पे कुछ लिखना है तो पहले शिक्षा को तो लिखोगे ना, एजुकेशन को तो लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ। तो अब उसी के बारे में छोटा सा लिख रहे हैं, देखिए क्या टैली करता है मेरा लिखा हुआ और आपका सोचा हुआ। लिखा करो, कोशिश किया करो, गलत और सही की परवाह नहीं करनी है। गलत ही करना है, मैं तो दीवार टूटे ना टूटे हथौड़ा जरूर मारना है, ये हमारा कर्म है। क्या होगा देखा जाएगा आगे, जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन और भी कोई नहीं जुड़ा हो जुड़ जाए, क्योंकि होमवर्क नहीं आएगा तब डिस्कशन का समझ भी नहीं आता है। तो देखिए आपका पहला है, मजबूत शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है। आज जिसमें ऐसे आया था प्लेजर ऑफ रीडिंग, पिछली बार ऐसे आया था ऑनलाइन एजुकेशन, यानी एजुकेशन को वो हाईलाइट कर रहा है कहीं ना कहीं। अब जब तक आपको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन तो बाद की बात है, पहले एजुकेशन को तो लाएं अपन मैदान में, उसको इंट्रोड्यूस तो कराएं। इंट्रोड्यूस कराने के बाद पता चलेगा कि वो क्या, उसका ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, या प्लेजर ऑफ रीडिंग क्या है, वो तो हमारे बाद की बात है। फर्स्ट है हमारा, देखिए मजबूत शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है। पहली लाइन कहती है मजबूत शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है। मजबूत के वर्ड जिसमें लगातार चेंज हो गए, सबसे पहले अपने उठारा उतारा रोबस्ट को, रोबस्ट एजुकेशन, मन में दिमाग लगाना क्या आएगा आगे। एजुकेशन इज रोबस्ट यानी मजबूत, रोबस्ट यानी मजबूत, रोबस्ट एजुकेशन इज क्या है, आधारशिला। क्या है आधारशिला, फाउंडेशन स्टोन। दिमाग में पैरेलल चलते रहना चाहिए, फाउंडेशन स्टोन, फाउंडेशन स्टोन जो आधार में रखते हैं, आधारशिला। समझते हुए लिखना है, लिखकर समझना है, दोनों काम चलने चाहिए। रॉबस्ट एजुकेशन इज फाउंडेशन स्टोन, किसकी आधारशिला, मानव जीवन की, ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ। कहानी खत्म, पहला सेंटेंस खत्म, बड़े अच्छे से समझ लो। रॉबस्ट एजुकेशन इज फाउंडेशन स्टोन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मजबूत शिक्षा, सशक्त शिक्षा, स्ट्रॉन्ग शिक्षा इज फाउंडेशन स्टोन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की आधारशिला होती है। आधारशिला है यानी रीव का पत्थर, वो रीव का पत्थर अलग बोलेंगे ये अलग बोलेंगे। क्लियर, पहला सेंटेंस, रॉबस्ट एजुकेशन इज फाउंडेशन स्टोन ऑफ ह्यूमन लाइफ, फाउंडेशन स्टोन, आधारशिला, रॉबस्ट मजबूत। और चलिए आगे की कहानी क्या कहती है, बिना शिक्षा के मानव जीवन, देखिए सेंटेंस सुनिए, बिना शिक्षा के मानव जीवन कैसा है, एक बिन क्या, किसके किसके तरह है। बिना शिक्षा के मानव जीवन बिना पानी के तड़पती हुई मछली के समान है। बिना शिक्षा के मानव जीवन एक बिना पानी की मछली के तड़पती हुई समान है। मानव जीवन विदाउट, या ह्यूमन लाइफ विदाउट एजुकेशन, ये लिखो, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ विदाउट एजुकेशन। कंटेंट बहुत शानदार होने चाहिए, अंग्रेजी रखने में इतना जोर नहीं आता है, कंटेंट ही नहीं रखोगे किसको। ह्यूमन लाइफ विदाउट एजुकेशन इज किसके समान है, अकिन टू, कल भी यूज किया था, के समान है, अकिन टू के जैसा, उसके जैसा, आप मेरे भाई बहन जैसे हैं, यू आर अकिन टू माई सिबलिंग्स, यू आर अकिन टू समथिंग समथिंग, जो भी बोले। ह्यूमन लाइफ विदाउट एजुकेशन इज अकिन टू एक तड़पती हुई मछली, ये तड़पती है, ए पाइनिंग, बिल्कुल सही है, कल यूज किया था, आज फिर काम आ गया, पाइनिंग फिश, तड़प रही है, पाइनिंग फिश। हर इंसान का मजदूर नहीं पढ़ना चाहता, हर इंसान तड़प पढ़ना चाहता है, तड़पती हुई पाइनिंग फिश, कैसे बिना पानी के, विदाउट वाटर। कंटेंट बहुत शानदार होने चाहिए, इंग्लिश में रखना कोई बड़ा आफत नहीं है। ह्यूमन लाइफ विदाउट एजुकेशन इज अकिन टू ए पाइनिंग फिश, पाइनिंग फिश यानी तड़पती हुई मछली को पानी में से निकाल दो पाइनिंग करेगी, इंसान को एजुकेशन में निकाल दो पूरी लाइफ पाइनिंग करेगा वो, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो, लेकिन जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है वो पैसे की इंपॉर्टेंस कभी नहीं है। चाहे कितना ही पैसे वाला हो, यदि उसके पास एजुकेशन नहीं है तो हमेशा वो अपने आप को इन्फीरियर फील करेगा, हमेशा बैकरो में फील करेगा। और एजुकेशन है, पैसा नहीं है, और शानदार जगह पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ में बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो
तो हम यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन बता रहे हैं, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं पहले, अब इस आगे कहानी को कहीं भी ले जा सकते हैं, वो आगे ले जाएंगे। ह्यूमन लाइफ विदाउट एजुकेशन इज अकिन टू ए पाइनिंग फिश, एक तड़पती हुई मछली के समान है विदाउट वाटर, उस पानी के बिना। आगे चलिए, मजबूत शिक्षा मजबूत राष्ट्र के नींव का पत्थर होती है। रोबस्ट को अपन यूज कर लिया, वर्ड में ये यूज करूंगा नहीं, मजबूत शिक्षा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, वर्ड को चेंज करने में बहुत मजा आता है, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन। उधर आधारशिला बोला, इधर नींव का पत्थर बोला, बोला तो फिर वर्ड भी चेंज होगा, कॉर्नर स्टोन, ये लाइफ में भी काम आएगा, बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है, कॉर्नर स्टोन, नींव का पत्थर, क्योंकि जो नींव होती है ना वो हमेशा कॉर्नर में लगती है, मकान की जो नींव होती है ना वो कॉर्नर में लगती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एजुकेशन इज कॉर्नर स्टोन किसकी भाई, मजबूत राष्ट्र की। ऑफ रोबस्ट गया, स्ट्रॉन्ग गया, फिर एक नया वर्ड पैदा कर लिया, मजबूत फोर्टिफाइड, यदि वाकई गजब है ना, बस फिर लिखने का मजा ही कुछ और आता है। ठीक है, सब कुछ याद ही रहता तो ना सही, कौन कहता याद रखने के लिए। अब आप 3 बार स्ट्रॉन्ग लिख दो यहाँ पर, क्या मतलब है लिखने का, खुद ही सोचो, यदि यहाँ पर 3 बार स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ होता आपको कितना बुरा लगता, यदि आपको बुरा लगता तो उसको कितना बुरा लगेगा। 3 जगह मजबूत लिखा, सशक्त लिखा, तीनों जगह वर्ड चेंज है, वहां रोबस्ट लिखा, यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखा, यहाँ फोर्टिफाइड लिखा। फोर्टिफाइड एज ए वर्ब भी काम करता है, मजबूत करना भी इसका मतलब होता है, लेकिन अब इसको एग्जेक्टिव बना के लिख दिया। रॉबस्ट एजुकेशन इज फाउंडेशन स्टोन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ विदाउट एजुकेशन इज अकिन टू ए पाइनिंग फिश विदाउट वाटर, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन इज कॉर्नर स्टोन ऑफ फोर्टिफाइड नेशन। मजबूत सशक्त की जरूरत है यहाँ पर, ऐसा नहीं हम कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट हम वी आर फिलिंग द रिक्वायरमेंट, वी आर फिलिंग द बिल और नथिंग। नेक्स्ट है, सशक्तता सामाजिक ढांचे को मजबूत करती है, देखो आप फिर सशक्त आ गया, यानी एक और मजबूत तो चाहिए, चाहिए तो कोई बात नहीं, अपना थोक के वहां अपनी क्या दिक्कत है। वाइगोरस, वाइगोरस भी सशक्त, ये भाई बहन है सारे, फोर्टिफाइड, सारे मजबूत हैं, सारे सशक्त हैं। वाइगोरस क्या करती है ये, एजुकेशन, एजुकेशन सामाजिक ढांचे को मजबूत करती है, वहां से वर्ब भी बुला लो, करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गए, फोर्टिफाइज, वर्ब की पांचवी फॉर्म आ गई, करती है किसको, सामाजिक ढांचे को, सोशल स्ट्रक्चर, सोशियल स्ट्रक्चर, वो कहता जाएगा हम उसको फॉलो करते जाएंगे, कुछ नहीं करना है। ये देखो वर्ब है फोर्टिफाइज, एडजेक्टिव 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 एडजेक्टिव, जो नाउन से पहले आएगा वो आएगा एग्जेक्टिव। रॉबस्ट एजुकेशन इज फाउंडेशन स्टॉन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ विदाउट एजुकेशन इज अकिन टू ए पाइनिंग फिश विदाउट वाटर, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन इज कॉर्नर स्टोन ऑफ फोर्टिफाइड नेशन, वाइगोरस एजुकेशन फोर्टिफाइज मजबूत करती है, मजबूत करती है सोशल स्ट्रक्चर, एक सामाजिक ढांचे को। दूसरे पर आइए, शिक्षा पाना हर इंसान का मानव अधिकार है, बताओ अमन वाक्य कहाँ से शुरू होगा, टेंस तो है नहीं, शिक्षा पाना, शिक्षा पाना क्या है, हर इंसान का मानव अधिकार है, शिक्षा पाने में कोई मना थोड़ी करेगा, टू गेट एजुकेशन, टू से चालू कर दो, टू गेट, गार्नर भी कर सकते हो, टू गेट एजुकेशन, टू गेट एजुकेशन शिक्षा पाना हर इंसान का मानव अधिकार है, इज ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट हर इंसान का अधिकार है, ऑफ ईच पर्सन हर इंसान का अधिकार है, कोई इसे मना नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई मना नहीं कर सकता। टू गेट से वाक्य शुरू हुआ, क्योंकि वाक्य में कहीं पर भी हमारे पास टेंस वगैरह है नहीं, तो जहाँ नाका सेंस आए वो वाक्य कहाँ से शुरू होगा, टू प्लस बी वन से। आगे चलो, गरीब बच्चों की शिक्षा का स्तर उठाने के लिए विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा लागू होती है, कहाँ जाएगा सेंटेंस बता दो जरा सा, गरीब लोगों की शिक्षा उठाने के लिए, उत्थान करने के लिए, आई मीन टू से स्तर उठाने के लिए शिक्षा का विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा लागू की जाती है, कहाँ जाएगा, की जाती है, की गई, हाँ की गई कर लो, कहाँ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में कहाँ जाएगा, एक्टिव में या पैसिव में, एक्टिव में जाएगा, कर्ता कहाँ है वाक्य, पैसिव में जाएगा,
करता नहीं है, करता कहां पर है, उठाओ दिशु शिक्षा को, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन, ग्रेटेस्ट एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क, पैसा नहीं लगेगा जो लग रही, ग्रेटेस्ट फोकट की शरह, फोकट भी बोल सकते हो आप इसको, ग्रेटेस्ट एजुकेशन हैज बीन आ गया, देख लो पैसे में, हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड लागू करना, काहे के लिए, वजह पे आओ, इम्प्लीमेंटेड शिक्षा का स्तर, गरीब बच्चों की शिक्षा का स्तर उठाने के लिए, टू बूस्ट एजुकेशन लेवल लेवल ऑफ पुअर चिल्ड्रन, ऐसे तो वर्ड बहुत सारे हैं लेकिन हम छोटा ही वर्ड यूज कर रहे हैं आज, बूस्ट यानी उत्थान करना, उठाना, इसीलिए हमारा बूस्टर पंप होता है, उत्थान करना, दिस इज बूस्टर, इम्प्लीमेंट लागू करना, पॉलिसी हमेशा इम्प्लीमेंट होती है, ग्रेटिस यानी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगा, ग्रेटिस जो वो कहता जाए हमें करता जाना, मैं स्पेशल अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है, और क्या कह रहा है वो कह रहा है शिक्षा का प्रसार करना एक धर्म युद्ध के समान है, बहुत अच्छा सेंटेंस, बहुत ही प्यारा सेंटेंस, शिक्षा का प्रसार करना, टू स्प्रेड, वैसे वर्ड बहुत सारे हैं लेकिन मैंने छोटा वर्ड लिया अभी, टू स्प्रेड एजुकेशन, शिक्षा का प्रसार करना इज एक धर्म युद्ध के समान है, इज अकिन टू, धर्म युद्ध का वर्ड आप बताएंगे, आ चुका धर्म युद्ध, अच्छे काम के लिए किया गया अभियान धर्म युद्ध कहलाता है, आ चुका है अपने, टू स्प्रेड एजुकेशन, शिक्षा का प्रसार करना एक धर्म युद्ध के समान है, अकिन टू ए क्रूसेड, याद आया कि नहीं आया, क्रूसेड, मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूँ जो ऐसे में घूमेंगे क्या जिंदगी में घूमे, धर्म युद्ध, अच्छे काम के लिए किया जाने वाला अभियान क्रूसेड कहलाता है, टू स्प्रेड एजुकेशन इज अकिन टू ए क्रूसेड, शिक्षा का प्रसार करना एक धर्म युद्ध के समान है, गांव गांव शिक्षा जा रही है, और एक पढ़ी लिखी महिला मजबूत राष्ट्र की पथ प्रदर्शक होती है, बहुत प्यारा सेंटेंस, एक पढ़ी लिखी महिला मजबूत राष्ट्र की पथ प्रदर्शक होती है, एन एजुकेटेड वुमेन, क्या लिख सकते हो, अनलिटरेट भी, एन एजुकेटेड वुमेन इज पथ प्रदर्शक, सही बात है, औरत पढ़ी लिखी होगी, समाज पढ़ा लिखा होगा, समाज पढ़ा लिखा होगा, देश पढ़ा लिखा होगा, एन एजुकेटेड वुमेन इज पथ प्रदर्शक, टॉर्च बियरर, इंपोर्टेंट कर लेना, बहुत काम आएगा, महिला से रिलेटेड ऐसे भी तो काम आएगा ही आएगा, पथ प्रदर्शक, वाकई शानदार होती है तो लिखने का मजा आता है, क्या लिखो, बैठे रहो बस, और कंटेंट ही यही कहते हो, और क्या लिखोगे आप, अब शिक्षा की इंपोर्टेंस बताने में कंटेंट देखो कितने शानदार घूम रहे हैं, एन एजुकेटेड वुमेन इज टॉर्च बियरर, काय का किसके लिए होती है, एक मजबूत राष्ट्र का, ऑफ रोबस्ट हो गया, फोर्टिफाइड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, वीआरएस, सेलुबीरियस, फिर पांचवा उठा लाया मैं, सेलुबीरियस भी मजबूत, सेलुबीरियस नेशन, अब खत्म हो गए सारे मजबूत, सारे मजबूत उठा लाए अपन, अब मजबूत नहीं है, मजबूत की जरूरत भी नहीं है, पांच बार यूज कर लिया, सेलुबीरियस भी मजबूत या स्ट्रॉन्ग, फोर्टिफाइड, रॉबस्ट, रॉबस्ट के नाम से जिम भी है वैशाली नगर में, टू स्प्रेड एजुकेशन इज अकिन टू ए क्रूसेड, एन एजुकेटेड वुमेन इज टॉर्च बियरर ऑफ सेलुबीरियस नेशन, एक मजबूत राष्ट्र का पथ प्रदर्शक होती है, एक पढ़ी लिखी महिला, एक वेल एजुकेटेड महिला, एक वेल क्वालिफाइड महिला, टॉर्च बियरर होती है, और आखिरी सेंटेंस आ रहा है हमारा, एक अशिक्षित समाज देश को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, अशिक्षित समाज तो लेके डूबेगा, एन अनएजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड सोसाइटी क्या करेगा, अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, अंडरमाइंस, अंडरमाइंस, अंडरमाइंस यानी खोखला कर देना, अंडरमाइंस में सब कुछ आ गया, कुछ नहीं लगाना है आपको, दीमक की तरह खाएगा ये, अंदर ही अंदर खोखला करना, ये वो वर्ड है जो हर ऐसे में हर जगह लागू है, ऐसा नहीं कोई इसका स्पेसिफिक, अंडरमाइंस खोखला करना, अंडरमाइंस सब कुछ चला दिया, अनएजुकेटेड सोसाइटी अंडरमाइंस किसको, देश को, द कंट्री, कुछ नहीं लगाना है, लिख लिया, वोकैब को बुला लिया, ग्रामर को बुला लिया, अब इसे बहुत अच्छे से समझ लो,
कोई क्वेरी हो तो पूछो। आपने कहा रोबस्ट एजुकेशन इज, पहले हिंदी से इंग्लिश किया, आप इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं। रोबस्ट एजुकेशन, मजबूत शिक्षा, सशक्त शिक्षा इज फाउंडेशन स्टोन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की एक आधारशिला है। ह्यूमन लाइफ विदाउट एजुकेशन इज अकिन टू ए पाइनिंग फिश विदाउट वाटर, मानवीय जीवन आपका बिना शिक्षा के, मानवीय जीवन इंसान का जीवन एक तड़पती हुई मछली के समान है बिना पानी के। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन इज कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन ऑफ फोर्टिफाइड नेशन, देव का पत्थर होती है एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन। वाइगोरस एजुकेशन फोर्टिफाई सोशल स्ट्रक्चर, मजबूत शिक्षा सामाजिक ढांचे को मजबूत करती है, मजबूत शिक्षा सामाजिक ढांचे को मजबूत करती है, फोर्टिफाइज करती है। टू गेट एजुकेशन इज ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट करना है इसको, ह्यूमन राइट एक मानव अधिकार है ऑफ ईच पर्सन, प्रत्येक आदमी का, द ग्रेटिस यानी फोकट का, निःशुल्क जिसमें पैसा ना लगे हो। फोकट की शराब भी बटेगी जब इलेक्शन की बात करेंगे, राजनीतिक अपराधीकरण करेंगे आदि। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन हैज बीन, पैसे में गए हो आप, इम्प्लीमेंटेड इम्प्लीमेंटेड टू बूस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ पुअर चिल्ड्रन, और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, तब क्या था, प्रदान की जाती है निःशुल्क के साथ, वही लागू की जाती है, तो लागू की जाती है, मैं सेंटेंस को चेंज कर रहा हूँ, निःशुल्क शिक्षा लागू की जाती है, तो क्या था, क्या था बोलो, इज इम्प्लीमेंटेड और लागू की जा रही है, तो लागू की जा रही है, की जा रही है, इज बीग इम्प्लीमेंटेड, वो तो आप थ्योरी मेरे साथ ही कर लेते, लागू की जा रही है तो इज बीग इम्प्लीमेंटेड, लागू की जाती है तो इज इम्प्लीमेंटेड, लागू की गई है तो हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, कल लागू की गई थी तो वाज इम्प्लीमेंटेड, लागू की जा रही थी तो वाज बीग इम्प्लीमेंटेड, 2 साल पहले लागू हुई तो हैड बीन इम्प्लीमेंटेड, लागू की जाएगी विल बी इम्प्लीमेंटेड, और लागू की जा चुकी होगी विल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। 12 टेंस होते हैं, मैंने 8 पैसे बोल दी, यदि 8 टेंस में लिखोगे तो उनकी 12 टेंस होते हैं और उनकी 8 पैसे होती है, 8 पैसे में हमारी तीसरी पैसे में सेंटेंस लिखा गया। कौन पढ़ेगा इसको पैराग्राफ को, अपनी इच्छा से कौन पढ़ना चाहेगा, रीडिंग कर डालो, रीडिंग करने में क्या है, फोबिया खुलता है, टंग चढ़ती है। टू स्प्रेड एजुकेशन इज अकिन टू ए क्रूसेड, शिक्षा का प्रसार करना एक धर्मयुद्ध के समान है, धर्मयुद्ध है शिक्षा देना और भगवान की पूजा करना, भगवान की पूजा करने से किसी को शिक्षित बनाओगे वो ज्यादा बड़ा धर्म है। एंड एजुकेटेड वुमेन इज टॉर्च बियरर, पथ प्रदर्शक है ऑफ सैलुब्रियस नेशन, मजबूत राष्ट्र का। एन एजुकेटेड सोसाइटी अंडरमाइंस, अंडरमाइंस अंदर ही अंदर खोखला कर देती है द कंट्री, अंडरमाइंस को याद कर इम्पोर्टेंट करना, यहाँ पर अनएजुकेटेड सोसाइटी कुछ भी रख सकते हो आप, करप्शन रख दो, पीटीसी रख दो, लिव इन रिलेशनशिप रख दो, कुछ भी रख दो, वो क्या करती है अंडरमाइंस। क्लियर, समझ में आया आपको, चलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, पहली क्लास ऐसी होती है, लेकिन बस टकराना है क्योंकि इसके अलावा उपाय मेरे पास भी नहीं। आइए पार्ट बी करते हैं, पार्ट बी में हम चलते हैं रूम नंबर 9th में, विल के पास, पहले शैल यूज होता था, आजकल शैल वगैरह यूज नहीं होता है, विल के पास जा रहे हैं हम, तीसरी मंजिल पर। 2 मंजिल अपने कवर कर ली, पहली प्रेजेंट से, दूसरी पास्ट से, और तीसरी मंजिल के पहले रूम में जा रहे हैं जिसका रूम नंबर है 9th। पूरा टेंस अपना रूम के हिसाब से मैथमेटिक्स है, हमने पहली मंजिल को कवर कर लिया जिसमें प्रेजेंट रहता था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो दूसरी मंजिल पर 5 6 7 8, तीसरी मंजिल पर 9th, आज यहाँ पर हैं हम। पहले में कौन कौन रहता था एक बार रिपीट कर दीजिए, पहले में कौन कौन रहता है, एक्टिव में तो कौन रहता है, पैसिव में कौन रहता है, एक बार रिपीटेशन, पहली में एक्टिव में कौन, पैसिव में कौन, पहली की एक्टिव कौन, पैसिव कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाए फिर आगे चले। पहली की एक्टिव में एक बार लिखवा दूं, पहली की एक्टिव में रहता है, ये रूम बना लो 8 नंबर तक, एक बार सभी का रिपीटेशन हो जाएगा, वैसे तो 12 में बनेगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इस चार्ट को यहाँ तक ताकि एक बार आपका क्लियर हो जाए। पहली मंजिल में रहता है आपका एक्टिव यानी प्रेजेंट, सेकंड में एक बार क्लियर कर देता हूँ, 9th तक क्लियर कर देता हूँ कि आगे तो पढ़ना ही है हमको। ये 12 रूम है, एक मंजिल है जिसमें 12 रूम है, इसकी पहली जो मंजिल है फर्स्ट जो फ्लोर है उसमें रहता है प्रेजेंट, इसकी पहली मंजिल में रहता है प्रेजेंट, इसकी दूसरी मंजिल पे रहता है पास्ट। ये चार्ट आपके समझ में आ गया ना, तो पैसिव और इनडायरेक्ट और जिंदगी का सारा खेल आसान।
और ये तो आएगा ही, समझो ये थर्ड मंजिल पे रहता है फ्यूचर, जिसकी गाड़ी आज चालू होगी। यहाँ तक कि गाड़ी को शुरू कर देते हैं, ये फर्स्ट नंबर रूम, ये सेकंड नंबर रूम, ये थर्ड नंबर रूम, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, यही तक करना, आगे जाना नहीं। आज इसका भी नहीं करना, यही तक कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या रहता है, फर्स्ट नंबर का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट। यदि इसकी एक्टिव वॉइस है, यदि कर्ता से वाक्य शुरू करोगे तो वी वन और वी फाइव को यूज करोगे, और यदि इसकी पैसिव ले रहे हो तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कर्ता से यदि आपने वाक्य शुरू किया तो वी वन और वी फाइव आया, और यदि अपने आप कर्ता नहीं है तो वहां पर इज, एम, आर थर्ड फॉर्म आएगी। कैसे भी और बात कर लेते हैं। सेकेंड का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि इसकी एक्टिव लेते हैं तो इज, एम, आर प्लस बी फोर आएगा, यानी आई एन जी फॉर्म आएगी। और यदि इसकी पैसिव लेते हैं, पैसिव का मतलब ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू होते हैं, इज, एम, आर प्लस बी प्लस वी थ्री आएगा। पैसिव की खास बात होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, चाहे मॉडल की हो, चाहे टेंस की हो, चाहे एक्टिव की हो, चाहे पैसिव की हो। और मैं आपको ग्रिप कराऊंगा थर्ड में कौन रहता है। मैं रफली एक बार इसका पूरा क्लियर कर देता हूँ। हैज, हैव प्लस वी थ्री, बोलता है भाई साहब पैसिव बताओ, पैसिव ले लो। हैज, हैव, बीन, ये बीन अच्छे से लिखना, बीन प्लस वी थ्री। फोर्थ कहता है भाई साहब पैसिव नहीं, अकेले रहते हैं अपन, अपने साथ कोई नहीं रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन तेरी एक्टिव तो बता। हैज, हैव, बीन प्लस बी फोर प्लस टाइम, फिक्स टाइम होगा तो सिंस आ जाएगा, एंड निश्चित टाइम होगा तो फोर आ जाएगा। सीधी सी बात है, ये करना नहीं है, 5, 6, 7, 8 को डिस्कस करना है। ये गए रूम नंबर ऊपर, यहाँ पास्ट रहता है पूरा, 5, 6, 7, 8 में पास्ट रहता है। पास्ट क्या कहता है, एक्टिव में आए हो क्या, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। नहीं काम किया तो डिड नॉट बी वन आएगा, कल मैं गांव नहीं गया, डिड नॉट बी वन, गया था, आई वेंट। यदि आप सब्जेक्ट से वाक्य शुरू कर रहे हो तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट नहीं है, बोले मेरी बाइक चोरी हो गई कल, मेरी बाइक कल चोरी हो गई थी, तो कोई बात नहीं, इसकी पैसिव में वाज वर प्लस वी थ्री आएगा। माई बाइक वाज स्टोलन, पैसिव है ये, पैसिव का मतलब है सब्जेक्ट आपके पास नहीं है। सिक्स्थ में आओ, भूतकाल में कोई भी काम रनिंग में था वो सिक्स्थ में लिखा जाएगा। कोई भी काम रनिंग में था, कल मैं बारिश में जा रहा था, वाज वन वी फोर। पैसिव बनाओ, साहब उसकी पिटाई हो रही थी, उसको गिरफ्तार किया जा रहा था, किसके द्वारा, खाना बन रहा था हमारे घर पर, बारिश आ गई, वाज वर प्लस बीग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसकी पिटाई हो रही थी, उसको गिरफ्तार किया जा रहा था, सीधी सी बात है। सेवंथ में आ जाओ, भूतकाल में कल से पहले का काम, या दो काम होते इसमें, हैड प्लस वी थ्री फिर वी फोर प्लस वी टू। भूतकाल में दो घटनाएं साथ चली थी, जो घटना पहले समाप्त हुई वो हैड प्लस वी थ्री में, जो अधूरी रह गई वी फोर के साथ वी टू। आपके आने से पहले मैं आ चुका था, आई हैड कम हियर बिफोर यू केम, आप बाद में आए, मैं पहले आया। या दूसरा, कल से पहले कोई भी काम हुआ है तो हैड प्लस वी थ्री में, और पैसिव में हुआ है तो हैड बीन प्लस वी थ्री में। राखी, सॉरी, कोई भी हमारा पहले वाला जो कार्यक्रम है, ऐसा वैसे किया गया था, वैसे किया गया था, इलेक्शन को संपन्न करवाया गया था, प्रधानमंत्री को चुना गया था, किसके द्वारा पता नहीं। पैसिव है तो हैड बीन, एक्टिव है तो हैड बीन। एट नंबर इसके ऊपर है, ये कहता भाई साहब अभी अकेले रहते हैं, हमारी कोई पैसिव नहीं होती है। हैड बीन प्लस टाइम, फिक्स होगा तो सिंस आ जाएगा, निश्चित होगा तो और आ जाएगा। ये आज तक की कहानी। पैसिव होता है 4 में 8 में 12 में, एक्टिव और एक होता है 10 में, 10 वाला भी आया नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे। टोटल 12 टेंस होते हैं जिनमें 8 की पैसिव होती है। पैसिव का मतलब यदि रूम में सब्जेक्ट जाता है, देखो याद रखना, यदि रूम को सब्जेक्ट खोलेगा तो वो इसके पास जाएगा, वो इसके पास जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ ना, तो आई एम टीचिंग यू, इसी को मैं घुमा के बोल देता हूँ, क्लास चल रही है,
ऐसे ही हो गया ना, क्लास इज बी कंडक्टेड, यदि रूप में एक्टिव जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा, यदि सब्जेक्ट से वाक्य शुरू होगा, सब्जेक्ट है ही नहीं ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वहां पर आपकी पैसिव आएगी, सीधी सी बात है। और एक चीज और बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 8 की पैसिव नहीं होती है, पहली बात। 4 रूप के ऊपर 8वां बना हुआ है, 2 के ऊपर 6 बना हुआ है, 2 कहता है इज़ेमार बी फोर, 6 कहता है वाजवर बी फोर, 4 कहता है हैव बीन हैज बीन बी फोर, 8 कहता है हैड बीन बी फोर, बी फोर बी फोर बी फोर बी फोर, क्या अंतर है इसमें? 2 वाला जब घड़ी पहन लेगा वो 4 भी चला जाएगा, 6 वाला घड़ी पहन लेगा वो 8 भी चला जाएगा, बस घड़ी का फर्क है। मैं जयपुर में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन जयपुर, मैं जयपुर में जन्म से ही रह रहा हूँ, आई हैव बिन लिविंग इन जयपुर सिंस माई बर्थ, 4 साल से रह रहा हूँ, 4 2 ईयर्स, आप जयपुर में तो 1 2 महीने से रह रहे हो ना, तो वी हैव बिन लिविंग इन जयपुर फोर, जो भी लगा दो, 2 महीने 3 महीने 1 महीने आधा महीना। 6 वाला, मैं जयपुर में रह रहा था, मैं जोधपुर चला गया, आई वॉज लिविंग इन जयपुर, नहीं मैं जयपुर में 10 साल से रह रहा था, 10 साल से रह रहा था, आई हैड बिन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 ईयर्स सिंस माई बर्थ, इत्यादि। क्लियर? ये काम क्या करता है, ये अपनी रूटीन को बताता है, अपनी आदत को बताता है, जैसे मैं चाय पीता हूँ आप कॉफी पीते हो, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ आप 10 बजे उठते हो, ठीक है, एक भी चला गया। और 357 का रूल क्या कहता है, ये 3 ये 5 ये 7, ये 357 का रूल क्या कहता है, आज की डेट में कोई भी काम आपने समाप्त किया है तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कल की डेट में कोई काम समाप्त किया था V2 आएगा, और कल से पहले कोई भी काम समाप्त किया था हैड प्लस V3 आएगा, इसको 357 का रूल कहते हैं। ऐसा नहीं मैं खाना खा चुका था, हिंदी में कितनी बार बोला ये सेंटेंस, मेरे को ईमानदारी से बता दो, आज तक बोला हिंदी में मैं खाना खा चुका था, तो फिर ये ग्रामर क्यों सिखाते हैं, सीख लाते, सीधी सी बात है, ये पेन मैंने आज खरीदा है, आज ही खरीदा है सपोज, तो आई हैव परचेज दिस पेन टूडे, नहीं ये पेन मैंने कल खरीदा था, आई परचेज दिस पेन यस्टरडे, नहीं ये पेन मैंने 10 दिन पहले खरीदा था, आई हैड परचेज दिस पेन बिफोर 10 डेज, मैं पानी पी रहा हूँ आई एम ड्रिंकिंग वाटर, पी लिया आई हैव ड्रंक वाटर, जैसे ही इस बार ब्रेक लगाएगा थर्ड वाला पैदा हो जाएगा, जैसे ही सेकंड वाला घड़ी पहनेगा वो फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड वाला ब्रेक लगाएगा वो आपका थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, लिख रहा हूँ ना, चल रहा है मेरा काम, हटा दिया पेन, आई हैव रिटन ऑन बोर्ड, जैसे ही इस बार ब्रेक लगाएगा अपने आप ये पैदा हो जाएगा, मैं मोबाइल रिसीव कर रहा हूँ, आई एम रिसीविंग माई मोबाइल, रिसीविंग माई मोबाइल, कर लिया आई हैव रिसीव्ड मोबाइल, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आई एम इरेजिंग दिस, आई एम इरेजिंग दिस, आई हैव, ही हैज, शी हैज, सर हैज हैव, वर्ब की थर्ड। एक्टिव में एक्टिव और पैसिव का पता कैसे चलता है, यदि कौन का आंसर आ जाए तब तो वो एक्टिव है, कौन का आंसर आ जाए तब तो एक्टिव है, और कौन का आंसर ना आ पाए तो वो पैसिव है, वो पैसिव है, सीधी सी बात है। क्लास चल रही है, कोई आया और बोला कक्षा चल रही है, क्लास चल रही है, किसी ने बाहर जाके बोला कक्षा चल रही है, ठीक है, पूछो चल रही है से भैया कौन चला रहा है, पता नहीं, को जानता ही अपन को, पैसिव है, क्लास इज बी कंडक्टेड, इसी बात को घुमा के बोल दो, पंकज सर पढ़ा रहे हैं, घुमा के बोल दिया पंकज सर इज, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर अभी सबके लिए V1 V5 इज एम आर थर्ड फॉर्म, फर्स्ट रूप में नाम प्रेजेंट इंडेफिनेट, V1 V5 इज एम आर थर्ड फॉर्म नाम प्रेजेंट इंडेफिनेट, इज एम आर V4 इज एम आर V3 हैज ए V3 हैव बीन हैज बीन V3 हैव बीन हैज बीन V4 प्लस टाइम, कोई पैसिव नहीं होती है, प्रेजेंट में 3 की पैसिव होती है, 4थी की पैसिव नहीं होती, 5th में V2 कल मैं गांव गया था, कल मैं गांव गया था, आई वेंट सेकेंड फॉर्म आएगी, आई वेंट टू विलेज, वेंट 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 विलेज, नहीं कल मैं गांव नहीं गया था, आई डिड नॉट गो आ जाएगा, डिड नॉट आती फर्स्ट फॉर्म आती है, आई डिड नॉट गो टू विलेज,
हाँ, किसी की अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो तो मेरे पास फाउंडेशन क्लासेस भी है, मैं उनको भेज दूंगा। बिल्कुल भी, बिल्कुल ही ऐसे लगे ना भाई जीरो से चालू करनी है, माइनस से, तो वो क्लासेस भी है, मेरे को बता देना बस। ऐसा नहीं है ये तो, लेकिन आना ही पड़ेगा यदि जिंदगी में वो जो आपका मकसद है ना, जो आपने सोच रखा है उसको गेन करना है, तो इससे नीचे मैं तो नहीं जा सकता, और जाएंगे तो आप भी नीचे जाएंगे। हाँ, वो फाउंडेशन के ठीक है, बाकी साहब नहीं आता कोई बात नहीं, माइनस से शुरू कर लो, वो तरीका भी अपने पास एकदम छोटा छोटा बहुत तरीका। आइए शुरू करते, चलिए रूम नंबर 9th में, क्लियर। आज हम जो कहानी कहेंगे वो बिल के साथ सुनाएंगे आपको, आज जो भी कहानी है वो बिल के साथ। अभी क्लास होने के बाद हम सब लोगों की अलग अलग प्लानिंग है, कोई घर जाएगा, कोई लाइब्रेरी जाएगा, कोई चौड़ा रास्ता जाएगा, कोई जो है रास्ते में सब्जी खरीदेगा, सबकी अलग अलग प्लानिंग है। सब्जेक्ट विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए पहले कुछ जनरल सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पर वोकैब नहीं ली मैंने, ताकि एक बार हाथ क्लियर हो जाए। देखिए पहला सेंटेंस लिखते चलना है, जनरल सेंटेंस है, ज्यादा मैंने वोकैब नहीं डाली है। आई विल सेल माई वोंकी हाउस। वोंकी का मतलब टूटा फूटा, इंग्लिश लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी ज्यादा नहीं लिख रही है। वोंकी का मतलब जर्जर, और पुराना मकान बेच दूंगा। सेल आपको आता ही है, आई विल सेल माई वोंकी हाउस। सेल आपके वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में नहीं लिखना हो इसको लिख लिया करो, ऐसी उटपटांग फॉर्म को। सेल फर्स्ट फॉर्म है, सोल्ड सोल्ड, मैं अपना मकान बेचूंगा भविष्य के लिए ना, अभी नहीं बेचा। कौन सा मकान है? वोंकी हाउस, जर्जर मकान। इंग्लिश में लिख लो, वोकैब लिख लो, और जहां हिंदी की जरूरत पड़े तो लाइन छोड़ देना, घर पे लिख लेना। नॉर्मल सेंटेंस है। ही विल लॉज एन FIR अगेंस्ट यू फॉर थेफ्ट। ही विल, छोटे सेंटेंस ताकि आपकी आदत हो जाए, विदाउट वोकैब सेंटेंस चला रहा हूँ मैं। ही विल लॉज एन FIR, FIR भी ये लिखना है, देखो आर्टिकल एन आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। लॉज यानी दर्ज करवाना, अब दर्ज करवाते हैं, अब उसकी मर्जी है वो करे ना करे। ही विल लॉज एन FIR किसके खिलाफ? अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ। अगेंस्ट यू, वह तुम्हारे खिलाफ एक FIR दर्ज करवाएगा। अभी नहीं करवाई है, फ्यूचर में। हाँ, फ्यूचर का मतलब हो सकता है कल कराऊं, परसों कराऊं, मेरी मर्जी है। ही विल लॉज एन FIR, वह तुम्हारे खिलाफ एक FIR दर्ज करवाएगा। वाक्य का करता है ही, क्या करवाएगा? एक FIR। विल लॉज 9th नंबर में किसके खिलाफ? तुम्हारे खिलाफ, अगेंस्ट यू, काहे के लिए? क्योंकि तुमने चोरी की है, फॉर थेफ्ट, थेफ्ट यानी चोरी। एक एक पहले क्लियर कर लो हाथ, फिर अपन बड़े गेम खेलेंगे। ये नॉर्मल सेंटेंस जिससे बिल समझ में आ जाएगी, बिल क्या कहता है। ही विल लॉज एन FIR अगेंस्ट यू फॉर थेफ्ट। और मेरे पापा मुझको फिजूल खर्ची के लिए डांटेंगे, बुलाओ पापा को। माई फादर क्या करेंगे? अभी मैंने 2 लाख का मोबाइल खरीद लिया, अब घर जाऊंगा, अब मेरे को डांट पड़ेगी, पक्की बात है। माई फादर विल स्कोल्ड, स्कोल्ड यानी डांटना। किसको डांटेंगे भाई? मुझे तो डांटेंगे, 2 लाख का मोबाइल मैंने लिया है। माई फादर विल स्कोल्ड मी, मेरे पापा मुझे डांटेंगे, काहे के लिए? फिजूल खर्ची के लिए, 2 लाख का मोबाइल ले लिया, वेरी फोकट फॉर वाइट एलिफेंट। अब दुनिया सफेद आती मत कर देना, वाइट एलिफेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची। क्या जरूरत है एक स्टूडेंट को 2 लाख के मोबाइल की, या बहुत महंगी गाड़ी की? क्या जरूरत है? एक्टिवा से भी काम चल जाएगा। क्या जरूरत है 5 लाख की बाइक लेने की? फिजूल खर्ची है, वाइट एलिफेंट है। आप विल पढ़ रहे हैं, आई विल सेल माई वॉन्की हाउस, ही विल लॉज एन FIR अगेंस्ट यू फॉर थेफ्ट, माई फादर विल स्कोल्ड मी, मेरे पापा मुझे डांटेंगे फिजूल खर्ची के लिए। वाक्य का कर्ता थर्ड में माई फादर है, क्या करेंगे? वो डांटेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल है, मेन वर्ब स्कोल्ड है, बी ऑब्जेक्ट है, बी की जगह कुछ भी लगा दो, माई सिस्टर लगा दो, माई मदर लगा दो, माई किसी को भी लगा दो जिसको डांट पड़वानी है। फोर वाइट एलिफेंट फिजूल खर्ची के लिए, फोर आपका प्रपोजिशन है, फोर आ गया, अगेंस्ट आपका प्रपोजिशन है, ऊपर वाले को पढ़ो पहले इस पर आराम से। ही विल लॉज एन FIR अगेंस्ट यू फॉर थेफ्ट, वो चोरी के लिए तुम्हारे खिलाफ एक FIR दर्ज करवाएंगे। अब एक एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ये मेरे को पता नहीं, पर करवाएंगे। FIR हमेशा लॉज होती है, FIR को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, FIR से पहले आर्टिकल एन आएगा, अगेंस्ट यू तुम्हारे खिलाफ, काहे के लिए? चोरी के लिए, फॉर थेफ्ट।
फॉर रॉबरी कर दो, फॉर थेफ्ट कर दो, फॉर रेप कर दो, बदल दो जो भी बदलना है, ऊपर वाले में आ जाओ। आई विल सेल माई वॉकी हाउस, मैं अपना टूटा फूटा मकान, जर्जर मकान, अपना जीड़ शीड़ मकान, अपना पुराना धुराना मकान बेचूंगा। वॉकी मोबाइल के साथ लगा दो, यदि आपका मोबाइल पुराना हो गया तो वॉकी कार के साथ लगा दो। जैसे कहते हैं यार भाई तेरी कार अटाड़ा हो गई अब तो खरीद ले, वो कैसी कार है? वॉकी कार, समझो मतलब बैस की तरह समझो। ऐसी ये चीज ही नहीं, इतनी जल्दी समझ में आती है, और एक बार आपने इसमें कमांड कर लिया, लाइफ आपकी कंप्लीटली सिक्योर है, ये फ्यूचर सॉरी आपकी सिक्योर है। आगे आओ। दे विल प्लांट सॉरी यू विल डैमेज हिज रिकेटी कार इन योर एंगर, बहुत अच्छे से समझो। यू विल करोगे, विल आते ही करोगे मतलब फ्यूचर हो आप, डैमेज डैमेज यदि तोड़ोगे फोड़ोगे, डैमेज करोगे क्षतिग्रस्त करोगे, क्या कौन सी कार है भाई के पास? रिकेटी है। बोले सर रिकेटी का क्या मतलब है? अभी आ जाता है रिकेटी कार, ये मेरे वोकैब बनाने का तरीका है, मैं वोकैब में बहुत बिलीव करता हूँ। रिकेटी का मतलब भी जर्जर, बहुत पुरानी होगी, 20 साल दहेज में आई थी 20 साल पहले। रिकेटी है, वोंकी का सिमिलर वर्ड है, वोंकी लिख दो चाहे रिकेटी लिख दो। आपका मोबाइल बिल्कुल नया होगा आज की डेट में, लेकिन आज तो आप उसको रिकेटी और वोंकी का टाइटल दे ही देना। अरे यार पुराना हो गया, किसी की कार नजर आ जाए रिकेटी और वोंकी कर देना, या ज्यादा भी नहीं दो। जितनी भी बसें जा रही होगी ना, ये प्राइवेट और ये राजस्थान रोडवेज की सारी बसें, सारी की सारी वॉकी है, सारी की सारी रिकेटी है, बस पहिए घूम रहे हैं और कोई भी सुविधा नहीं है, ऐसे लगता है किसी डब्बे में बैठ गए। वो आपका वॉकी कहलाएगा, वो रिकेटी कहलाएगा, या कबाड़ी को जितना भी सामान देते हैं ना अपने, वो वॉकी होता है, वो रिकेटी होता है। एप्लीकेशन में लाना है, जिंदगी से जोड़ना। आप सोचिए रटोगे, रटने का काम ही नहीं है, जो भी नजर आ जाए वहीं से बस अंग्रेजी चालू हो जाने, भाई यहाँ से ये नजर आ रहा है अंग्रेजी चालू। तो यू विल डैमेज रिकेटी कार, तुम उसकी कार को तोड़ दोगे, डैमेज करोगे, क्षतिग्रस्त करोगे। कब कब करोगे भाई? इन योर एंगर, तुम्हारे गुस्से में, जब गुस्सा आ जाएगा तुम कुछ ना कुछ करोगे कबाड़ा। इन योर एंगर, एंगर से आप परेशान हो गए तो थोड़ा अच्छा वर्ड लिख लो, आयर, आयर का मतलब भी गुस्सा होता है। एंगर पढ़ते पढ़ते अब बड़े हो गए, मजा नहीं आ रहा आयर। वोकैब जितनी स्ट्रॉन्ग होगी ना, इंग्लिश उतनी गुलाम होती है, पर तो वोकैब के बस वोकैब होनी चाहिए हाथ में। यू विल डैमेज इन रिकेटी कार, देखो वॉकी किया रिकेटी किया, कोई बात नहीं, रिकेटी आती ना तो कार को रख लो, रिकेटी को बाद में बुला लेना। यू विल डैमेज इन रिकेटी कार इन योर एंगर और आयर। आप बिल को पढ़े, बिल पर हाथ साफ कर लो एक बार सेंटेंसेस के जरिए। आगे चलिए। वो हरे भरे बाग में छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, वो लगाएंगे साहब, बुलाओ उनको। दे यानी वे विल, पहले लगाओ पौधों को, पौधे ले आए अब लगाओ। प्लांट प्लांट यानी लगाना, बम्बी हमेशा प्लांट होता है, बम्बी हमेशा प्लांट होता है। दे विल प्लांट, क्या छोटे छोटे पौधे बारिश का मौसम लगाते हैं ना साहब, बुलाओ उनको। सैपलिंग्स सैपलिंग्स, वो छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे भाई? घर के बाहर नहीं, आपके लॉन में नहीं, हरे भरे बाग में। हरे भरे बाग को बुलाओ, इन सैपी गार्डन, बाग हरा भरा अच्छा लगता है। अब गार्डन में जाओ तो वहां से वोकैब लेकर आना, बोले बाग कैसा है? सैपी है। सूखे गार्डन में कौन जाएगा? सैपी भी जाते हैं, यदि गार्डन भी जाना है तो सैपी भी जाएंगे ना, सभी जाते हैं। सैपलिंग छोटे छोटे पौधे, प्लांट यदि लगाना, दे विल प्लांट सैपलिंग्स इन सैपी गार्डन, वो हरे भरे बाग में छोटे छोटे पौधे लगाएंगे। अभी समझ में आ रहा है ना, लिखते चलो, समझ में आ रहा है। आपने किया आई विल सेल माई मंकी हाउस, मैं अपना टूटा फूटा मकान बेचूंगा। सेल की फॉर्म समझ लो, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। फॉर्म को भी समझ के बाद उत्सुक हो जाते हैं, हमें हर चीज पे क्लच लेके चलना है। ही विल लॉज, बोलने में डी नहीं आएगा, इसको लॉज बोलेंगे। ही विल लॉज एन FIR अगेंस्ट यू फॉर थेफ्ट, हम लॉज करवाते हैं। अब पुलिस वाले की इच्छा है कि वो रजिस्टर करे या ना करे, वो रजिस्टर करता है। ये और बता दूं आपको, ये भी अंतर है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लॉज करवाते हैं, वो रजिस्टर करे या ना करे उसकी मर्जी है। FIR से पहले आर्टिकल एन आएगा, संक्षिप्तीकरण है, वोवल की आवाज है, इसको कैपिटल भी लिखा जाएगा। एक एक चीज गलती से भी कोई रेड मार्क ना कर देगी, यार इसको यार छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, इसके आगे ए लगा दिया, द लगा दिया, नहीं मुझे तो मंजूर नहीं है, मैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से चेक करता हूँ। माई फादर विल स्कोल्ड मी, मेरे पापा मुझे डांटेंगे फॉर माई टेलीफैन, मेरी फिजूल खर्ची के लिए। मैं यहाँ पर बदल देता,
मेरी लापरवाही के लिए, तो क्या लिखते हैं आप? मेरी लापरवाही के लिए डांटेंगे यहाँ पर, मैं फिजूल खर्ची लापरवाही कर दो। केयरलेसनेस, केयरलेसनेस वो हल्का वर्ड है, और महंगा वर्ड है हमारा लेक्सिटी। वो मेरी लापरवाही के लिए मेरे पापा मुझे डांटेंगे। केयरलेसनेस, कोई भी जो आप में जो भी ड्रॉबैक्स है उसके लिए डांटेंगे, वो मुझे डांटेंगे साहब। ठीक है, यू विल डैमेज इज रिकेटी कार, तुम इसी कार को डैमेज करोगे। इन योर एगर और आयर, तुम्हारे क्रोध में। दे विल प्लांट सैपलिंग्स, वो छोटे छोटे पौधे लगाएंगे इस सैपी गार्डन, हरे भरे बाग में। सैपी का मतलब हरा भरा बाग, सैपी अच्छा लगता है, जो बाग होगा वो सैपी अच्छा लगता है। सैपी यानी हरा भरा। अभी जैसे बारिश आ गई तो हर जगह हमको सैपी सी दिखाई देगा, हर जगह नारा हो चाहे कहीं भी हरियाली खूब हो जाएगी। तो ये बाग कहाँ है? ये श्यामलाल बोरा के मकान के पास है। SLV का मतलब हरा भरा। चार वर्ड ले लो एक साथ, कहानी को खत्म करो। हरा भरा प्लस कर दो गार्डन, प्लस कर दो फील्ड, फील्ड भी हरा भरा ही होता है। अभी फसल बोएंगे, फील्ड यानी खेत, गार्डन यानी बाग। SLV बाग है आपका, SLV गार्डन है आपका, सैपी हरा भरा। अब गार्डन में जाओ तो चार वर्ड लेके आओगे नहीं, वापस बताना, बैठे रहना वहीं पर। लश, वर्डेंट और वर्डेंट और वर्जर, बोले में डी नहीं आएगा, वर्जर। इन चारों का मतलब होता है हरा भरा। SLV श्यामलाल बोरा के मकान के पास हरा भरा बाग। सैपी, लश, वर्डेंट, वर्जर। हरा भरा खेत हो सकता है, घाटी हो सकती है, हरा भरा आपका गार्डन हो सकता है। अब तो सब हरा भरा ही है क्योंकि बारिश अच्छी हो गई। सैपी, लश, वर्डेंट और वर्जर, हरा भरा चल रहा है। आइए नेक्स्ट। मैं एक बिच्छू को पकड़ूंगा चिमटे से, चिमटे से पकड़ूंगा, और हाथ से तो नहीं पकड़ूंगा, हाथ से तो डंक मारेगा। आई विल कैच ए स्कॉर्पियन, सामान्य वाक्य है जिनको एक बार आपका बेस क्लियर हो जाए। आई विल कैच ए स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बिच्छू को पकड़ूंगा किससे? विथ द टोंग्स, टोंग्स कहते हैं चिमटे को, टोंग्स यानी चिमटा। मैं जानबूझ के लाया हूँ, क्यों लाए वो भी बता देता हूँ। कैच यानी पकड़ना, इसको इम्पोर्टेंट कर लो। फर्स्ट फॉर्म होती है कैच, सेकेंड फॉर्म होती है कॉट, थर्ड फॉर्म होती है कॉट। लोग इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैच कर देते हैं जल्दबाजी में। कैच, कॉट, कॉट, द टोंग्स को अंडरलाइन कर लो, क्यों अंडरलाइन कर लो अभी बता देता हूँ मैं। आई विल कैच ए स्कॉर्पियन, में एक बिच्छू को पकड़ूंगा किससे भाई? विद द टॉम्स, पहली बात तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पहले, किसी भी उपकरण से पहले प्रपोजिशन विथ आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। विद द टॉम्स, विद द पेन, विथ द कोई भी आपका एक्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से पहले विथ आएगा। एक चीज और, ये चिमटा पुराना है। द टॉम्स, ये जो चिमटा है ना, द टॉम्स खाली जगह है, ओल्ड, ये चिमटा पुराना है। ये चिमटा है ना, ये जो द टोंग्स है पुराना है, द टोंग्स ओल्ड। यहाँ पर इज आएगा या आर आएगा, ये इतना सा बता दो। क्यों आर? क्यों इज आएगा? इज ही आएगा भाई, द टोंग्स और चिमटा एक ही तो है। इज आएगा, चिमटा एक ही तो है, दो तो है नहीं, दो था तो आ रहा था। टॉम्स खाली जगह ओल्ड, बताइए। अरे गलत, सही बातचीत करें, बताओ तो सही। इज आएगा, इज आता तो भी क्वेश्चन पूछता ही हो, इज इसका आंसर होता तो भी क्वेश्चन पूछता ही हो। आप जींस लेने गए बाजार में, सामने एक बहुत सुंदर लेडी है, उसने कहा यू शुड परचेज दिस जींस। बोले नो नो मैम, नो मैम, आई कांट परचेज दिस बिकॉज दिस जींस, दिस जींस आर एक्सपेंसिव। यहाँ पर आर आएगा, यहाँ पर आर आएगा, क्यों आएगा? तो भी उससे तो क्या, उसमें ये जींस और मेरे टॉम्स को क्यों पकड़ा? मैंने शर्ट तो नहीं बोला, मैं शर्ट को नहीं बोला। मैं यहाँ पर जिसकी शर्ट रख दू तो इज आएगा, वैसे ही जाएगा। मैंने जींस को क्यों पकड़ा ये बताओ। वेरी गुड, ये क्या हमेशा ये आएगा या ये टूटेगा रूल?
जो चीज दो भागों से मिलकर बनी होती है उनमें हमेशा आर ही आएगा, यानी प्लूरल आएगा। स्पेक्स आर, जींस आर, शूज आर, सॉक्स आर, टॉम्स आर, बाइनोकुलर्स आर, सीजर्स आर, कैंची आर। जो चीज दो भागों से मिलकर बनी है उनमें 99% प्लूरल वर्ब आती है, हाँ 1% में सिंगुलर आती, यदि आप इसके आगे ए पेयर लगा दें। ए पेयर ऑफ शूज इज आएगा, अदरवाइज द शूज आर आएगा। आपने क्यों बोला जींस पेयर से मिलकर बनी? जींस, ट्राउजर्स, पायजामाज, स्लैक्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, सब ऐसा था। देखो पैंट्स बोलते, पैंट थोड़ी बोला जाता है, तो वहां पर आर आएगा। ए पेयर लगा दे, ये क्वेश्चन दो साइड से घूमता है, ए पेयर लगा दे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। आज क्या बोले, योर गॉगल्स आर बोलोगे आप, आपका रंगीन चश्मा बड़ा सुंदर है, योर गॉगल्स आर अट्रैक्टिव है, चीप है, सस्ता है, महंगा है, कुछ भी है, योर गॉगल्स आर आएगा। चलें आगे। हर चीज में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हमारी क्या है, वो किताबों से पढ़ने की आदत है, और किताबों में जो है नहीं है। मैं पहले कहता हूँ डेड नॉलेज होती है किताबों में, डेड नॉलेज कभी ध्यान नहीं करती है, कितना ही कर लो। तुम आवारा पशुओं को काटोगे कसाई खाने में, बुलाओ तुमको। यू विल काटने को, जानवर कटेगा, वर्ड आएगा, कट नहीं आएगा कि कट लगा दो आप, स्लॉटर। जानवर के लिए वर्ड आएगा स्लॉटर, कट मत लगा देना, कट लगा दे खत्म, इंग्लिश नाराज, काटना। यू विल स्लॉटर, क्या काटोगे? आवारा जानवरों को। द स्ट्रे कैटल, ये नहीं, यहाँ पर द है, स्ट्रे यानी जो रोड पर खड़े हैं। द स्ट्रे कैटल, कैटल में एस मत लगा देना, एनिमल्स में एस हो सकता है, काउज में एस हो सकता है, गोट्स में एस हो सकता है, कैटल में एस नहीं आएगा। आवारा जानवर, तुम आवारा जानवरों को काटोगे। यू विल स्लॉटर द स्ट्रे कैटल, कहाँ? इन स्लॉटर हाउस, इन स्लॉटर हाउस। तुम आवारा जानवरों को काटोगे कहाँ? स्लॉटर हाउस में, स्लॉटर हाउस में। स्लॉटर काटना, स्लॉटर हाउस बूचड़ खाना, कसाई खाना, कुछ भी कह लो, जानवर हमेशा स्लॉटर होगा, कट नहीं आएगा। जानवर हमेशा स्लॉटर होगा, कट नहीं आएगा। बूचर हाउस भी ठीक है, स्लॉटर हाउस भी ठीक है। बूचर यानी कसाई होता है, तो बूचर हाउस भी कसाई खाना, स्लॉटर हाउस भी कसाई खाना, BUTCHER, बूचर हाउस। आपने पूछा ही नहीं सर, इंसान को काटेंगे तो क्या आएगा? ये तो जानवर काटे तब तो आ गया, तब तो आपने स्लॉटर की यूज कर लिया, इंसान को काटेंगे तो क्या आएगा? जैसे मुस्लिम कंट्रीज में होता है, मुस्लिम कंट्रीज में इंसान को कहते हैं हर फ्राइडे को, वो काटते थे कि फिल्मों में देखा आपने, सर काटते थे खट, इंसान को कटेगा। जिसको कहते हैं वध करना, जिसको यदि मैं हिंदी में बोलना चाहूँ, वध करना, उसको स्ले कहते हैं। जैसे महाभारत में काफी लोगों को हुआ स्ले, सेकेंड फॉर्म होती है स्ल्यू, और थर्ड फॉर्म होती है स्लेन। इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, स्ले, स्ल्यू, स्लेन। इंसान का वध होता है, जानवर स्लॉटर होता है, कट फिर भी नहीं आएगा। आपको एक अच्छी अंग्रेजी करनी है तो सिस्टम से होगी, आप सोचो कट लगाकर जिंदगी को अब ले जाएं आगे, चलती नहीं, आजकल नहीं चलती है। स्ले, स्ल्यू, स्लेन, वध करना। काफी जगह ये पनिशमेंट भी है, मुस्लिम कंट्रीज में तो मैक्सिमम, सऊदी अरब कंट्रीज में काफी जगह पनिशमेंट है, हर फ्राइडे को स्ले किया जाता है। स्ले, स्ल्यू, स्लेन, आप लेते रहो, किस वर्ग की क्या जरूरत होगी वो कहानी आगे चलेगी। फिर आपने कहा, अब चल दो, रिमझिम बारिश में हम सिका हुआ भुट्टा खाएंगे, खाओ अंग्रेजी में खाओ आज। रिमझिम बारिश में हम सिका हुआ भुट्टा खाएंगे, खाएंगे हम तो, क्योंकि अंग्रेजी हमारे पास, तो खाइए आप। वी विल ईट रोस्टेड कॉर्न ईयर, वो मक्के का भुट्टा दिमाग में बैठा लो, सिका हुआ है वो, कच्चा तो नहीं खाया जाएगा, रोस्टेड कॉर्न ईयर। अभी जाओ बारिश में और वो ठेला दिखाई दे तो ये जरूर याद कर लेना, रोस्टेड कॉर्न ईयर। कब? रिमझिम बारिश में, इन डीजल और इन ड्रीजल, रिमझिम बारिश। और अभी थोड़ी देर पहले कैसी बारिश हुई थी? मूसलाधार। परसों कैसी बारिश हुई थी? मूसलाधार, उसको भी बुलाओ। कैट्स एंड डॉग्स रेन,
कैट्स एंड डॉग्स रेन, कैट्स एंड डॉग्स रेन, मूसलाधार बारिश, या इसकी फ्रेजल वर्ब भी कर लो, डाउनपोर, डाउनपोर भी कहते हैं मूसलाधार बारिश। रोस्टेड कॉर्न ईयर, वी विल ईट रोस्टेड कॉर्न ईयर्स। रोस्टेड सिका हुआ कॉर्न ईयर भुट्टा, मैं इसलिए इस चीजों को लाता हूँ जहां पर भी आपकी नजर जाए ना अंग्रेजी तैयार होने लग जाए, जहां पर भी नजर जाए बीजल और ड्रीजल। अब इसकी एक कहानी में आपको बताता हूँ, ये जो भुट्टा है सिकता गाय पे है, सिकता गाय पे, ये जो भुट्टा सिकेगी सिके गाय पे, कोयले पर, वो जलते हुए अंगारों को क्या बोलते हैं, मेरे को कहानी यहाँ लानी थी। वो जलते हुए अंगारे क्या कहलाते हैं, वो जो कोयले होते हैं जिस पर वो सिकता है वो अंगारे क्या कहलाते हैं, वो अंगारे कहलाते हैं एम्बर्स। इनको इम्पोर्टेंट कर लेना, एम्बर्स या सिंडर्स। आपको इंडिया में कोई नहीं सिखाएगा अंगारे, अपन को हर चीज में वॉकअप देखने की आदत है मेरी, तो अंगारे या जलते हुए कोयले। आप बोलो सर क्या काम आएंगे, अरे किसी भी ऐसे में काम में ले लो, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमको हमको या कानून को जलते अंगारों पर चलना पड़ेगा, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, देश की प्रगति के लिए जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ेगा। वी विल हैव टू वॉक ऑन एम्बर्स और सिंडर्स और प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। देखो वॉकअप होती है तो कितना उछलता है वो आपका ज्ञान, वॉकअप है ही नहीं, बैठे रहो। ऐसे में लोग क्या लिखना चाहते हैं मेरे तो समझ में नहीं आता, क्या ऐसे में क्या लिखा है, मौके भी नहीं, कंटेंट नहीं, कहेगा ऐसे लिखोगे, कहेंगी प्रेस से लिखोगे, कहेगा आप जिसे कहते अनसीन पैसेज पढ़ोगे। अब अंगारे मैं उठाया था, अब भुट्टा सीख लिया अंगारों से, अब भुट्टा तो सीख लिया कोई बात नहीं है, लेकिन एम्बर्स और सिंडर्स और ऐसा आना जरूरी है। एक चीज और बता दूं, ऐस हटाओगे नहीं आप, इनमें ऐस आएगा ही, चाहे कोयला हो, चाहे 10 कोयले हो, चाहे 50 कोयले हो। एम्बर्स और सिंडर्स कहते हैं जलते हुए अंगारों को, एम्बर्स और सिंडर्स कहा जाता है। तो आप इसको ऐसे भी यूज करो ना कि साहब हमें भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए या भ्रूण हत्या को मिटाने के लिए जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ेगा, इतनी आसानी से मिटेगा नहीं ना। तो वी विल हैव टू वॉक ऑन एम्बर्स या सिंडर्स, एम्बर्स या सिंडर्स, काहे के लिए, भ्रूण हत्या को मिटाने के लिए या भ्रूण हत्या को जड़ सहित मिटाने के लिए। टू वाइप आउट फिटिस हेट, टू वाइप आउट फिटिस हेट। देखो कितना प्यारा और शानदार सेंटेंस बना है। आप पर आप भ्रूण हत्या की जगह कोई सोशल प्रॉब्लम लगा दो, कोई भी सोशल प्रॉब्लम, भेदभाव है या दहेज प्रथा है या औरतों के साथ मलस्टेशन है, अब मलस्टेशन को ले आओ, कि छेड़छाड़ मिटाने के लिए हमें जलते अंगारों पर चलना पड़ेगा, क्योंकि तो छेड़छाड़ ऐसे तो मिटेगी नहीं कि साहब एक कानून बना दिया, कानून से छेड़छाड़ मिटती तो कितने रेप केसेस और कितने सारे वो हो गए। तो वी विल हैव टू वॉक ऑन सिंडर्स और एम्बर्स, टू वाइप आउट मलेस्टेशन। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर ये कोई भी प्रथा आपका होगा, तो देखो कहाँ से वर्ड उठा, अपने भुट्टा से कहा था मजाक ही मजाक में, इस भुट्टे ने कितना शानदार वर्ड दे दिया, एम्बर्स और सिंडर्स, अंगारा। यानी हम उस पर चलेंगे तभी तो हमारी ईमानदारी प्रूव होगी, तभी तो हम सिद्ध होंगे, एम्बर्स और सिंडर। इसलिए मैं फिर कहता हूँ वॉकअप होना, ग्रामर टिप्स होना, और उसका रोटेशन कितना फास्ट कर पाते हो आप, आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ है। मैं रोज कहता हूँ जिसका लॉ एंड लैंग्वेज शानदार है ना, उसका फ्यूचर बहुत गजब है, उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और लास्ट में डीजल और बीजल, रिमझिम बारिश, अभी बाहर जाओगे मूसलाधार हो तो ये कर लेना और नहीं हो तो ये कर लेना, और बीजल और डीजल आपका रिमझिम बारिश, कयास मूसलाधार बारिश, हैवी रेन इन टोरेंशियल नोन एज कैट्स एंड डॉग्स रेन, मूसलाधार बारिश, दिस इज नोन एज हैवी रेन, जो परसों हुई थी और अभी थोड़ी देर पहले भी शायद यही थी, ऐसी बारिश है और संभावना भी ऐसी है। हैवी रेन कैट्स, मतलब जहां भी देखो ना वो अभी ले जाना नहीं, बादल है, बादलों से अभी अपन उठा लाएंगे, बादल को उठाई लाओ, अब आ गया तो रहा नहीं जाए, बादल है क्लाउड है आज, तो इससे दो फायदा ले लो, पहले पुट अंडर द क्लाउड, मतलब उधर देखना आसमान की तरफ जाने से पहले, रटना नहीं है कॉपी में, देखना उधर देखना, पुट अंडर द क्लाउड, पुट अंडर द क्लाउड किसी पे शक करना, पुट अंडर द क्लाउड किसी पे शक करना, और जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे उस दिन सातवें आसमान पे उड़ोगे आप, जैसे बॉबी देओल उड़ रहे हैं एनिमल हिट होने पर, ऑन क्लाउड 9, कर बाय बाय कर दो आप, ऑन क्लाउड 9, सातवें आसमान पर होना
या घी के दिए जलाना, कैसे बोलो जो आपको ज्यादा अच्छा लगे, घी के दिए जलाना। इंग्लिश सेंस में चलती है, आप सोचो ट्रांसलेशन में चलती है। नो ऑन क्लाउड टुडे, आई एम ऑन क्लाउड नाइन ड्यू टू माई सक्सेस, ऑन क्लाउड नाइन। और क्लाउड ऐसे वर्ब भी काम करता है, किसी मामले को उलझाने को भी कहते हैं क्लाउड, उलझाना। ये लोग क्लाउड आपको 3 फायदे दे गया। अब जाते ही बादलों को देखना, सिका हुआ भुट्टा खाना, ये 5 वर्ड तो ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। दो बारिश के, 3 क्लाउड के, 5, और सिका हुआ भुट्टा खाओगे 2 इसके, 7 वर्ड तैयार होंगे। क्या पूरा कर लिया? कॉपी को नहीं देखना है, बस कॉपी के लिखने के लिए, कॉपी ताकि स्पीड बढ़े, कॉपी को नहीं देखना है। एम्बर और सिंडर जलते हुए अंगारे, पुट अंडर द क्लाउड शक करना, ऑन क्लाउड नाइन घी के दिए जलाना, 7वें आसमान पे होना। जैसे बॉबी देओल इज ऑन क्लाउड नाइन ड्यू टू हिस हिट फिल्म, सक्सेस फिल्म, सक्सेस फिल्म, या ड्यू टू हिस सक्सेस, आप सेलेक्ट हो जाओगे ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन। और पुट अंडर द क्लाउड, सीबीआई विल पुट अंडर द क्लाउड, सीबीआई विल पुट यू अंडर द क्लाउड, सीबीआई तुम पे शक करेगी, सीबीआई तुमको सबसे पहले पकड़ेगी। और लास्ट में वो फटे हुए कपड़े पहनेगा उसकी गरीबी के कारण, वो फटे हुए कपड़े पहनेगा उसकी गरीबी के कारण। दिमाग में लाओ कैसे सेंटेंस फ्रेम होगा, दिमाग में लाओ, दिमाग में अंग्रेजी लिखना सीखो, बोर्ड पर और कॉपी पर तो आ जाएगा। ही विल वियर, फर्स्ट फॉर्म इज वियर, कैसे कपड़े, फटे हुए कपड़े, टॉर्न क्लोथ्स, फटे हुए काय के कारण, गरीब है तो पहनेगा, देखिए शौक थोड़ी है। ड्यू टू पावर्टी, और वियर की 3 फॉर्म लिख डालो क्योंकि जरूरी है। वियर सेकेंड फॉर्म है वॉर, सेकेंड फॉर्म वॉर याद रखना है, थर्ड फॉर्म है वॉर्न। ऐसी वर्ब को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ता है क्योंकि उपचुक हो जाते हैं आप। V1, V2, V3, उसकी भी लिखो, टीयर यानी फाड़ना, तभी तो है टीयर यानी फाड़ना, ये आंसू भी होते हैं। सेकेंड फॉर्म लिखो टॉर, थर्ड फॉर्म लिखो टॉर्न। अब ये थर्ड फॉर्म है ये वर्ब की, लेकिन एग्जेक्टिव का काम कर रही है, इस समय वर्ब नहीं है, ये एग्जेक्टिव का काम कर रही है। टॉर्न क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े, फटे हुए कपड़ों के 2 फायदे हो रहे हैं, पहला है टेटर्स, दूसरा है रैक्स। फटे हुए कपड़े टेटर्स और रैक्स, फटे हुए कपड़े टेटर्स और रैक्स, टेटर्स भी फटे हुए कपड़े, रैक्स भी फटे हुए कपड़े, टॉर्न क्लोथ्स भी फटे हुए कपड़े, रैक्स को उठाओ। जब कोई भी आदमी अत्यंत गरीबी के बावजूद एजुकेशन के फील्ड में टॉप लेवल पर पहुंच जाता है तो उसे प्योर हिंदी में कहते हैं, सुना होगा आपने, गोदरी का लाल। लाल बहादुर शास्त्री के लिए बहुत यूज होता है ये, लाल बहादुर शास्त्री को कभी भी पढ़ लेना, गोदरी का लाल। जितने भी आईएएस ऑफिसर अत्यंत गरीबी के बावजूद आईएएस बन गए, उनको ये उपमा, ये कंपेरिजन 100% दिया जाता है कि गोदरी का लाल है। कोई भी गरीब व्यक्ति, खाने के भी पैसे नहीं थे फिर भी टॉप पोजीशन पे पहुंच गया, वो इंसान हिंदी में गोदरी का लाल कहलाता है। गोदरी का लोग अपने घरों में होते हैं तो गोदरी, अब तो नहीं होती है गोदरी, बिछा के गाँव में सोते पतली वाली, वो गोदरी कहलाती है। उस गरीबी से पैदा हुआ, गद्दा भी नहीं था, गोदरी थी, तो वो यहाँ जाएगा डायमंड इन द रैक्स, डायमंड इन द रैक्स, गुदड़ी का लाल। अत्यंत गरीबी के बावजूद कोई भी इंसान शिक्षा के क्षेत्र में टॉप पोजीशन प्राप्त कर ले, वो इंसान गुदड़ी का लाल कहलाता है। और कोई भी इंसान अत्यंत गरीबी के बावजूद बिजनेस के क्षेत्र में ऊपर चला जाए, बिजनेस, धीरूभाई अंबानी, ये दिस इज शास्त्री जी, ये हम शास्त्री जी को देंगे, वो हम धीरूभाई अंबानी को देंगे, जिसको कहते हैं कई बार फर्श से अर्श पर, फर्श से, हिंदी भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, अर्श पर, अर्श का मतलब था टॉप बिंदु, फर्श से अर्श पर। अमिताभ बच्चन के साथ हुआ, फर्श से अमिताभ बच्चन अर्श पे गया, अर्श से वापस फर्श पे आया, फर्श से वापस अर्श पे गया, ये अमिताभ बच्चन का करियर है। इसको बोलते हैं चेकर्ड करियर, चेकर्ड करियर का मतलब आपकी शर्ट है ना चेकर्ड, चेकर्ड करियर का मतलब उतार चढ़ाव वाला करियर जो अमिताभ बच्चन का था। बहुत वैसे बॉटम से उठा टॉप पे गया, टॉप से फिर वापस इसकी कंपनी घाटे में आ गई, बॉटम में आ गया, फिर इसको कौन बनेगा करोड़पति और दुनिया भर के काम मिला, इस समय काफी अच्छी पोजीशन पे है, तो ये कहलाएगा फर्श से अर्श पर।
इस कहानी को, ये बिजनेस में लागू होती है, इसको कहते हैं, यहां पर भी रैक्स ही काम पे आ रहा है, यहां पर भी रैक्स ही काम पे आ रहा है, रैक्स टू रिचेज स्टोरी। देखो कितनी प्यारी फ्रेज है, रैक्स टू रिचेज स्टोरी। अर्श से फर्श पर धीरूभाई अंबानी को रैक्स टू रिचेज स्टोरी बोलोगे और लाल बहादुर शास्त्री को डायमंड इन द रैक्स बोलोगे। और काफी आईएएस के इंटरव्यू, आईएएस भर्ती ऐसे लोग हैं जैसे हमारे यंगेस्ट आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं साजिद हसन, उनकी मदर शादियों में रोटियां सेका करती थी और फादर ईंट के भट्टों पर काम किया करते थे, पर द फर्स्ट यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बने और वो उनको देना चाहेंगे तो हम क्या देंगे, डायमंड इन द रैक्स या रैक्स टू इचेज स्टोरी। हाँ साफिद हसन हैज डायमंड इन द रैक्स व्हाइल धीरूभाई अंबानी हैज रैक्स टू रिचेज स्टोरी। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को ये फ्रेज अब नहीं दे सकते क्योंकि वो तो बॉर्न विद सिल्वर स्पून है, वो तो वैसे चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए थे, तो कोई नहीं देंगे। अंबानी को देंगे क्योंकि वो पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे। कि उन्होंने क्या लिखा, रैक्स टू रिचेज स्टोरी लिखा, फर्श से अर्श पर, अर्श से फर्श पर। क्लियर इंग्लिश वाला टॉपिक।